हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर निसार। एक बार फिर से मैं लौटा हूँ अपने नए वीडियो के साथ, और आज मैं हूँ अफजलपुर शहर में, जो कि पड़ता है गुलबर्गा में। तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं मुझे कि ये अफजलपुर जो किला है, यानी कि जो ये प्लेस है, इसके बारे में पता है या नहीं पता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके एक्सप्लोर करूँ, और ये जगह वाकई में एक अच्छी जगह है, एकदम शांति। और यहाँ पे आप लोग वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि क्या क्या पुरानी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और किस लिए ये बनाया गया था। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री डिटेल लेने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग इस जगह के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप लोग इस जगह के बारे में, ये अफजलपुर जो है उनके बारे में क्या जानते हैं। अफजलपुर यानी कि अफजल खान, ठीक है, अफजलपुर एरिया का नाम है। अफजल खान जो है पर ये मशहूर है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग आकर ये वीडियो बना लूँ, ताकि आप लोग को ये देखने का मौका मिले। मस्जिद महल के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ निशानियां जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो उससे रिलेटेड देखिए दोस्तों, यहां पे एकदम ये जो हाउस है उसकी पहली सीढ़ी पे ही ये पैर का निशान छपा हुआ है। ये यकीनन दोस्तों एक निशानी है। ये देखिए इतना बड़ा पैर है। मैं अपना पैर रखकर इसमें आपको बताता हूँ कि मेरा जो, यानी कि आज की सदी के जो लोग हैं उनके पैर, और जो हमसे पहले जो आए थे उनके पैर किस तरह बड़े हुआ करते थे। तो ये सारी ये एक जानकारी हमें यहाँ पर मिली हमारे छोटे उस्ताद के ज़रिए से, हमें तो पता भी नहीं था। ये देखिए कुछ इसका पैर का नक्शा कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए से बता रहा हूँ। तो ऐसी और भी है खूबसूरत चीज़ें। ये देखिए ये फूल जो बनाया गया है, ये बड़े खूबसूरत नक्श निगार के ज़रिए से ये यकीनन पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये ठीक मस्जिद के सामने वाला हिस्सा जो है ये दरख्त के पास है। तो फिलहाल हमें वो दो इन्फॉर्मेशन, दो निशानियाँ मिल गई जो हमें देख रहे हैं। और ये तीसरी देखिए, ये जो हमारा फीट यानी कि पैर है उसकी एड़ी का है निशान। तो मैं आपको एक रख कर दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पैर और इनके पैर में कितना फ़र्क है। ऐसा लग रहा है कि मुझसे दो गुना बड़े जो लोग हैं उनका पैर का ये निशान है एड़ी का। तो ये तीनों निशानियाँ आपको मस्जिद के सामने मिल जाएगी। और ये जो है देखिए, ये मस्जिद है, इसी के सामने जो है आपको वो सारी निशानियाँ देखने के लिए मिलेंगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये देखिए ये पत्थर पे जो है तलवार का निशान बनाया हुआ है। कुछ हुआ होगा पहले उस टाइम पर जो हमें तो पता नहीं, लेकिन निशानी यहाँ पे एक निशानी के तौर पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए ये है भाला, जो निशान आप देख रहे हो भाले का निशान है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो लोग यहाँ पे गए थे वो लोग ये सारी चीज़ें देखे हैं या नहीं देखे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो मैं उनको अपने वीडियो के ज़रिए से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो पुराने ज़माने का भाला हुआ करता था, जो हम लोग तकरीबन टीवी वगैरह में देखा करते थे। और ये वो ऊंचाई की ऊंचाई पे है, जो दीवार पे आप देख रहे हो, एक जो है वो आप पत्थर देख रहे हो ना, उस पर जो है हाथों से डिज़ाइन बनाया गया, घोड़े का, एलिफेंट का, और उस पर एक रानी है, एक राजा है, ऐसा कुछ बनाया गया है उसमें। तो आप लोग का जब जाना हुआ तो आप लोग भी ज़रूर देखिए, ये खूबसूरत और बेमिसाल यानी कि तारीफ़ के काबिल चीज़ें हैं। मकबरे की मैंने बात करी थी, यानी कि जहाँ पे जो गुंबद आपको दिखा रहा था कि कब्र है पहले वीडियो में, तो देखिए वो ये जगह है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसके करीब जाए और देखिए और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। तो ये देखिए ये अंदर का हिस्सा है जो मस्जिद के बिल्कुल सामने का है। तो यहाँ पे जो है कुछ कब्रें हैं। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ये किन किन की कब्रें हैं। और जो लोग दोस्तों हिस्ट्री में काफ़ी दिलचस्पी और इंटरेस्टेड रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपना एक्सपीरियंस और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ इस जगह को
देखने, इस जगह की कुदरत को एक्सप्लोर करने और समझने के लिए। तो दोस्तों हिस्ट्री में मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों चैनल न्यू है, इसके लिए और लोगों तक ये सारी जानकारी नहीं पहुँच पाती, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जिनको नहीं पता है। और दोस्तों कुछ लोग जो है घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, लेकिन घूम फिर नहीं पाते, क्योंकि वक्त की मजबूरी, हालात के कारण, टाइम ना मिल पाने के कारण, कभी पैसों के कारण, तो वो लोग जो है बैठकर कम से कम ये वीडियो देख सकते हैं और जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और जो आने का इंटरेस्टेड रखते हैं वो आ सकते हैं। मैंने बात करी थी आपसे ईदगाह की, तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर ईदेन की नमाज अदा की जाती है। तो दोस्तों मेरे पीछे जो है वो है ईदगाह, जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो यहाँ के सारे लोग यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं और ईद की नमाज़ अदा करते हैं शुक्राना के तौर पर। और यहाँ पर लोग का यानी बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि जगह कम पड़ने वाली है, और ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं दो फोर्ट है, यानी कि किले टाइप में जो सख्त दीवारें हैं, बहुत ठंडी ठंडी है। और इसके अलावा अंदर का भी हिस्सा मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। यहाँ पर अगर आपका कभी मौका मिले, टाइम मिले, तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइए, साथ ही साथ इस जगह को एक्सप्लोर करे बिना ना जाइए, क्योंकि अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। साथ ही साथ वहाँ पर मतलब मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ाई भी जाती है। और उसके ही बगल में यानी कि करीब में वहाँ पर आपको यानी कि कब्रें मिलेंगी जो अफजल खान के रिश्तेदार, रिलेटिव्स, सिपे सालार, जो लोग उनसे जुड़े हैं उनकी कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए अगर आपका अफजलपुर आना होता है तो। सारे लोग यहीं पर जमा होते हैं ईदेन की नमाज के लिए। ये एक वाहिद जगह है जहां पर ईदेन की नमाज अदा की जाती है अफजलपुर में। इसके अलावा और भी जगह है जहां पर नमाजें अदा की जाती हैं ईदेन की। तो हमें ये मौका मिला कि हम ये जगह को एक्सप्लोर कर सके और आकर देख सके, वो भी आप लोगों की वजह से। आप लोग का जो सपोर्ट इतना यहाँ तक रहा, तो उम्मीद और कोशिश करते हैं कि आप लोग हमें आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करते रहिए, ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लोगों तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों अभी यहाँ से जाने का समय हो चुका है, धूप बहुत है और ठंड भी बहुत है। ठंड ऐसी है कि मतलब पता नहीं चलता, अचानक से ठंड बढ़ जाती है, तो इसके लिए सारा प्रोटेक्शन है। और धूप इसलिए है क्योंकि ठंड और धूप में एक अलग सा चटका सा लगता है चेहरे पे, तो हो सकता है चेहरे का रंग भी कुछ अलग सा पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। मस्जिद महल के ठीक सामने ही अफजल खान ईदगाह है, जहां पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। और अफजलपुर में ये एक बहुत बड़ा इलाका है, यानी कि इनके नाम से अफजलपुर रखा गया है। कर्नाटक हो, गुलबर्गा हो या अफजलपुर हो, दोस्तों यहां पर तालीम बहुत ही अच्छी और बहुत ही किफ़ायती में हो जाती है, यानी कि यहाँ की जो तालीम है बहुत अच्छी है। मुझे बहुत पसंद आया यहाँ का सिस्टम्स, तो यहाँ पे जो तालीम दी जाती है बहुत ही अच्छी होती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इसके सामने ही ठीक है, जो मस्जिद महल आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंग्लिश कन्नड़ मीडियम स्कूल अवेलेबल है, जहाँ पे काफ़ी लोग बच्चे यानी स्कूल पढ़ते हैं। तो ये स्कूल का भी रास्ता यही है, और साथ ही साथ मस्जिद महल भी यही है। तो यहाँ की तालीम से मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इस तरह की तालीम दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह और भी ऐसी तालीम दी जाए। तो दोस्तों अफजलपुर यानी कि अफजल खान का जो इलाका है, एरिया है, वहाँ से अभी हम लोग अभी रुखसती लेते हैं और चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। तो मेरे पीछे का मंजर, ये जो रास्ता है ये आप देख सकते हो, तो सफ़र अच्छा रहा और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग आ सकते हैं घूमने फिरने के हिसाब से। और ये जो है अफजलपुर जो एरिया है, वहाँ का बस स्टैंड है, वहाँ से आप उतरिए और यहाँ पर बाय वॉकिंग आप आ सकते हैं, 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए।